खूबसूरती अंदर होनी चाहिए, बाहर से तो खूबसूरत होना आसान है, अंदर से मेहनत लगती है, तो अंदर से खूबसूरत होंगे तो बाहर भी दिख ही जाते हो खूबसूरत, सो अंदर की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। इट्स मेनी थिंग्स एक्चुअली, बट इट्स आई थिंक मोस्टली इट्स हाउ यू फील फ्रॉम द इनसाइड एंड ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स एंड पर्सनैलिटी। फॉर मी आई थिंक ब्यूटी इज समथिंग कि आप आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अपने आप को कितने अपने आप से अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट है एंड हाउ अनअपोलोजेटिक यू आर अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। आई थिंक जो अपने बारे में अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, आई फाइंड देम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव एंड स्टाइल इज एक्सप्रेशन। आई थिंक आपकी जो पर्सनैलिटी है आप उसे जिस तरह से एक्सप्रेस कर दो आपकी स्टाइल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Honestly feel what you are within, what you are in your heart, it comes onto your face and your eyes, and for me the eyes are the mirror of one's soul, so you come to know how a person is immediately, and the beauty reflects outwardly if you are beautiful within. So for me that's underline of beauty. I think I always tell them please be your own kind of beautiful. Ye definitions ke chakkar mein na we have kind of really set some insane standards of beauty. It's about just feel good about being who you are from inside, you will be beautiful. I think I remember her like anybody in this country, which is just as the epitome of grace, the epitome of beauty. Unse unda kalakar mujhe nahi lagta hai humne kabhi bhi dekha hai. और बिटर स्वीट थिंग टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी देखेंगे भी। और आई एम अ डाई हार्ड श्रीदेवी फैन, और बस उतना ही कहूँगी।